many of the students they start preparing for the clat and when they fill their forms they might lose their candidature when they are appearing for the examinations there are very important documents which you need to take care when you are filling your form please do not hesitate to ask me any of your queries in the comment box if you feel like very very upfront i want to tell you very important update about the clat that clat examinations uh, 2025

सेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक कुछ भी स्किप मत कीजिएगा वेदर यू वॉच इट एट 2x टू एक्स और बट डू नॉट स्किप और डू नॉट फास्ट फॉरवर्ड इट बिकॉज मेनी थिंग्स आर वेरी वेरी माइन्यूट थिंग्स और अगर आपने उन्हें मिस आउट कर दिया तो इन द लेटर पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन जब आप प्रिपरेशन कर चुके होंगे एग्जाम देने के लिए जब जा रहे होंगे उस समय आपको शायद मैं जरूर याद आऊंगा तो आज मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस समझाऊंगा और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को डिटेल के अंदर समझाऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको तैयार करने हैं इफ यू आर रियली रेडी इट तो प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा बिकॉज ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज हम आपके लिए बनाते हैं इन वीडियोज में हमें सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहिए होती है दैट इज योर अप्रिसिएशन बाई योर लाइक्स एंड योर शेयर एंड आई एडवोकेट सिंह चौधरी आई एम टूडे गोइंग टू टेल यू that what all things are very important and very you know uh, at the at the start of your form filling you need to keep all these things ready with you when you are filling your exam uh, when you are filling your clat 2025 form let me start with something very importantly and that is about the updates of the dates see the date uh, which i am telling today is from the july 15th the forms have been out and now the last date would be october 15th so right now we are in July you have another month of August and then you have month of September so you have almost sixty days now but many of the students they are feeling like कि मुझे बस कलि फिल कर देना you have plenty of time so that is why I am coming so early to you ताकि मैं आपको सारी डिटेल समझा सकूं जिसके कारण आपका फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत ना है so last date that means the last date would be October fifteenth application का जो करेक्शन होता है सपोज फॉर एन एग्जाम्प वी आर नॉट गॉड वी आर नॉट एनीथिंग लाइक ए कंप्यूटर हमसे मिस्टेक हो सकती है हमने बहुत माइन्यूटली बहुत ध्यान से फिल किया स्टिल हमसे अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आपके पास एक करेक्शन विंडो देता है क्लाइट कंसोशियम और एन एल यू कंसोर्शियम और इस करेक्शन uh, विंडो के अंदर आप जो भी माइन्यूट डिफरेंसेस जो भी आपके यू नो मिस्टेक्स हैं आप उन्हें करेक्ट कर सकते हैं और ये अक्टूबर के महीने के अंदर जो है दिया जाएगा आपको आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ दी डेट्स है ना ये जब भी आपका लास्ट डेट आएगा उसके बाद में ये कंसोशन इसको रिलीज़ करता है करेक्शन डेट को नाव एडमिट कार्ड जो होंगे ये आपके ये आपके नवम्बर में रिलीज़ हो जाएंगे इन एडमिट कार्ड्स को भी आपको डाउनलोड कर लेना है और इन एडमिट कार्ड को बहुत अच्छे से चेक कर लेना बिकॉज जब आप फॉर्म फिलिंग करते हैं फॉर्म फाइल फाइल करते टाइम पे बेसिकली आपको जो है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट मांगी जाती है फॉर योर सेंटर्स तो आप उन्हें जरूर चेक कर लीजिएगा कि जो सेंटर आपने प्रेफरेंस लिस्ट में डाला है, this, और आपको वही मिला है कि नहीं मिला है सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो भी आप सेंटर चूज करें मेनी टाइम्स ये गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो ये कोशिश करते हैं कि एग्जामिनेशन जो है हम ऐसी जगह पे जो है फॉर्म फिल कर दें ऐसी जगह पे हम सेंटर ले लें जहां पे जो है थोड़ा सा घूम फिर भी आएंगे बेटा देखिए ये मस्ती मजाक का टाइम नहीं है ये आपके फ्यूचर के रिलेटेड बात है और आपका जो सेंटर है वो आपकी जगह से एकदम नियरेस्ट होना चाहिए जहाँ पे आप एकदम कम से कम समय में पहुंच सकें ताकि आप एग्जामिनेशन के टाइम पे पैनिक ना करें क्यों क्यों क्योंकि क्यों अगर आप बहुत दूर सेंटर ले लेते हैं और जिसके कारण से अगर आप कहीं खुदा न खासा किसी भी प्रॉब्लम के कारण अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा पैनिक करेंगे और वो पैनिक सिचुएशन जो है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत नेगेटिव हो सकती है बिकॉज आपने एक रिगरस वर्क किया है पूरे एक साल और एक साल की मेहनत जो है वो एक छोटा सा गलत डिसीजन आपका शायद उसको बहुत बड़ा एक डैमेज पहुंच सकता है तो प्लीज इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट इट्स एन एडवाइस बींग योर ब्रदर एडुकेट वो एवर यू फील लाइक प्लीज चूज योर नियरेस्ट सेंटर ठीक है ना ताकि आप वहां पे वेल इन टाइम पहुंच सके ताकि जब आप वेल इन टाइम रहेंगे तो आपका ऑलरेडी कॉन्फिडेंस जो होता है वो काफी बेहतर रहता है एंड यू गिव योरसेल्फ सम टाइम आपको एक पर्सनल टाइम भी चाहिए होता है मेक श्योर sure कि आपका माइंड जो है वो काम डाउन रहे एग्जामिनेशन में जाने से पहले सो प्लीज चूज द नियरेस्ट सेंटर ऑफ योर्स नाउ एग्जामिनेशन डेट जो है ये दिसंबर दिसंबर को को है है बेटा सो so, एग्जाम होने वाला नाउ यू ऑलरेडी हैव पास्ट योर मंथ्स सात महीने जा चुके हैं एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो चीज जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं. जो जो चीजें आप बदल नहीं सकते ना दे आर द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ एंड द टाइम इज वन ऑफ देम ट आप कितने भी अमीर हो आपके पास कितना भी पैसा हो आप कितने बड़े सन्यासी हो आप चाहे भगवान ही क्यों ना हो आप समय को वापस नहीं ला सकते हैं द टाइम इज गॉन इट इज गॉन सो प्लीज वैल्यू योर टाइम बिकॉज आपके फ्यूचर को अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट माई डियर स्टूडेंट्स माई डियर फ्रेंड्स दैट यू हैव ओनली फाइव मंथ्स लेफ्ट नाउ पांच महीना अब आपको जान लगानी होगी आपको जी जान से मेहनत करना होगा सो so दैट You can qualify your CLAT examinations because CLAT examination is an all India examinations for selection to the top NLU's in the India and very importantly for every law aspirant, their dream is always to get their graduation in law done from the NLU's. आप अगर NLU जाना चाह रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि एक या दो महीने की तैयारी से आपको CLAT का exam कराख हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है बेटा, because क्लैट एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपसे रटने को कुछ नहीं कहता है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके आपके इंटरपर्सनल स्किल्स अंडरस्टैंडिंग रीडिंग स्किल्स और आपके कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स को ही जज करता है और ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये एक या दो दिन में नहीं आती हैं इन्हें रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ता है रीडिंग स्किल्स कैन बी ओनली इंप्रूव बाय डे एंड डे एंड डे एंड डे प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप रीडिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग के अंदर कैसे कॉम्प्रीहेंड करना है ये अगर आपने नहीं सीखा तो क्लैट एग्जामिनेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज पेपर इज वेरी लेंदी आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक पैसेज पढ़ना होता है एंड पैसेज पढ़ने के बाद उस पैसेज का क्रैक समझना होता है एंटिल इज नियर टू द इम्पॉसिबल थिंग दैट यू कैन सॉल्व द द्वेश्चन

इंडियन है या फिर एनआरआई है या फिर अदर कंट्री के हैं कहीं से भी हो आपके पास में बेसिकली नेशनलिटी के अंदर जो है आपका जो भी आपका बेसिकली नेशनल ओरिजिन आपको दिखाता है वही आपको यहाँ पे फिल करना है एंड देन इज योर एज लिमिट देखिए सबसे बेहतरीन बात क्लैट की ये है कि अगर आपने अपना मास्टर डिग्री भी किया है उसके बाद भी आप बी एल एल बी कर सकते हैं बी एस सी एल एल बी कर सकते हैं कर सकते हैं फाइव ईयर लॉ कर सकते हैं लेकिन एज लिमिट का यहाँ पे कोई बार नहीं है तो आपकी एज लिमिट की कोई कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं रखी जाएगी लेकिन एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी कंसिडरेशन रखी जाएगी आप मिनिमम ट्वेल्थ या तो पास आउट होने चाहिए या फिर अपियरिंग होने चाहिए ये मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जिन्होंने ट्वेल्थ पास आउट किया है वही क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं जी नहीं अगर आप अभी ट्वेल्थ में हैं फॉर एन एग्जाम्पल आपने 2024 के अंदर आप ट्वेल्थ में आए हैं और 2025 के मार्च या अप्रैल के अंदर आप ट्वेल्थ पास आउट होने वाले हैं so, है ना सो आप एलिजिबल हैं अब की बार का जो क्लैट एग्जाम है उसके लिए सो दैट मीन दो आर राइट नाउ फॉर क्लास दे आर ऑल्सो एलिजिबल एंड दोडी पास देयर ट्वेल्थ क्लास दे आर एलिजिबल अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के अंदर एक छोटे से मार्क्स की देखिए मार्क्स जो है इतने नॉर्मल मार्क्स आपको चाहिए जो कि आज के टाइम पे जो है बिना पढ़े भी बच्चा इतना तो शायद मार्क्स ले ही आता है अपने ट्वेल्थ क्लास में इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो क्वालिफाइंग पासिंग मार्क्स क्या है जनरल और ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपकी परसेंटेज मिनिमम फोर्टी होनी चाहिए आपके ट्वेल्थ के अंदर और अगर आप अपियरिंग है तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके ट्वेल्थ के अंदर इतने परसेंटेज मार्क्स आपके आने ही चाहिए सेकेंड इज और अगर आप एस सी और एस टी से तो यू हैव कंसेशन ऑफ फाइव परसेंट तो आपका अगर फोर्टी परसेंट अगर आपका है ट्वेल्थ क्लास के अंदर इधर आपने पास आउट कर लिया है तो आपका होना चाहिए और अगर आप अगले साल पास करने वाले हैं दो हजार पच्चीस में पास हो जाएगा आपसे तो वहां पर मिनिमम फोर्टी परसेंट चाहिए होगा एक बात इसमें मैं और आपको ऑन कर देता हूं स्ट्रीम देखिए बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जो वाले बच्चे होते हैं हैं वही सिर्फ क्लैट का एग्जाम दे सकते तो यू आर एलिजिबल फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है, so you, you science, commerce, arts, है thing, इसके बाद मैं समझाता हूं कि आपका बेसिकली ये जो एग्जाम आप देख रहे हैं इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या है आपने ये दोनों ही पर्सनालिटीज को तो देखा होगा ये है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी चंद्रचूड़ साहब और ये है हमारे ऑनरेबल वेरी वेरी प्रेस्टिजियस एसेट टू दुडिशरी ये भारत देश के लिए एक हीरे जो कि अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहे हैं नन अदर देन राम जेठ मलानी जी सो so, ये पर्सनालिटीज एक या दो दिन में नहीं बने हैं इन्होंने रिगरस और बहुत मेहनत किया है लाइफ लॉन्ग मेहनत किया है अगर आपका ड्रीम भी है कि आपको ये रेस्पेक्ट मिले और आप इस सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव का एक बहुत छोटा सा एक हिस्सा बन सके तो आपके लिए लॉ की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए मैं ये मानता हूं कि लॉ डिग्री इज जस्ट नॉट टू मेक यू प्रोफेशनली साउंड पर्सन आप एक अच्छे लॉयर बनेंगे एक अच्छी जॉब आप पा पाएंगे एक अच्छे जज बन पाएंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन लॉ एक बेसिकली एक सोसाइटी के अंदर भी एक तरीके से आप ये कह है सकते हैं कि एक लॉयर जो होता है उसके पास ऑलमोस्ट ऑल सोशल नॉर्म्स के बारे में नॉलेज होती है उसे तो आप एक बेटर पर्सन भी बनते हैं साथ के साथ में यू नो योर ओन राइट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपको कम से कम अपने राइट्स के बारे में पता होगा एंड फॉर दैट बेसिक रीजन लॉ इज रियली रियली वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विच यून स्टडी एज योर प्रोफेशनल कोर्स नाउ लेट मी टेल यू हाउ इट गोज सी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है तो सबसे पहली चीज जो आपको रेडी रखनी है वो है क्लास टेंथ की मार्क्सिट बेटा जो आपने क्लास टेंास आउट कर लिया था बिकॉज राइट नाउ इधर यू आर इन ट्वेल्थ और यू 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 हैव हैव आर पास आउट फ्रॉम योर सो आपके पास में 10th की मार्क्स कार्ड होगा ठीक है ना तो आपने जिस भी बोर्ड से किया है तो वहां का जो आपका मार्क्स कार्ड है वो या फिर उसका सर्टिफिकेट जो मिलता है वो आपके पास होना चाहिए इसके बाद में आपका क्लास ट्वेल्थ का मार्क्सिट या फिर सर्टिफिकेट अगर आप पास आउट है तो और अगर आप पास आउट नहीं है तो आपका जो ऑप्शन आएगा जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे होंगे तो वहां पे पे लिखा होगा पास आउट या फिर appearing. तो आप वहां जब को अगर आप क्लिक कर देंगे अगर आप ऑप्शन अपियरिंग ले लेंगे तो आपको क्लास ट्वेल्थ के डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ऑप्शन आएगा ही नहीं आपको वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना इसके बाद है बेटा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं आप कर्नाटक से बिलोंग करते हैं आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं आप फॉर एन एग्जाम्पल आप हैदराबाद से बिलोंग करते हैं तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए वाई बिकॉज जब आप अपनी कॉलेजेस की जब आप सीट्स के लिए जब आप अप्लाई करेंगे जब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जब आप फिल करेंगे तो आप देखेंगे सभी कॉलेजेस के अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होते हैं जो कि आप देखेंगे कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन है जहां पे आप एस सी एस टी ओ वी सी पी डब्ल्यू डी यू नो जनरल कैटेगरी इन सभी के सीट्स तो हैं लेकिन उन सीट्स के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है वो है बेटा हॉरिजॉन्टली यहाँ पे विमेन डोमेसाइल और इन सब को जो है अलग से और रिजर्वेशन मिलता है तो अगर आपको वो रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पर आपको डोमेसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इसके बाद है बेटा आपका कास्ट सर्टिफिकेट जैसा मैंने आपको कहा कि आपको कास्ट बेसिस के ऊपर जो है जैसे कि अगर आप सपोज एससी है तो आपको बेसिकली इस कैटेगरी के बेसिस के ऊपर जो है कुछ सीट्स भी अलॉटेड है और कुछ आपके मार्क्स के अंदर भी जो है आपको एडवांटेज मिलता है जब आप कट ऑफ लिस्ट चेक करेंगे तो अगर आप इन सभी को एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आपके पास में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अदरवाइज यू गो इनटू टू ए जनरल कैटेगरी अगर आप ये कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर ही अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं इफ यू टैप ऑन एनी ऑफ योर कास्ट कैटेगरी अगर आप अपने आप को ओबीसी क्लिक करते हैं तो अब आप आपको ओबीसी के लिए अपना सर्टिफिकेट जो है वो आपको वहां पे अपलोड करना होगा एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपके पास में लास्ट थ्री मंथ के अंदर जो है बेसिकली इश्यू किया हुआ सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए इसके बाद है बेटा, बिलो पॉवर्टी लाइन अगर आप हैं, तो आपके पास में बीपीएल आप हैं, तो इसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होता है इसे आप पहले से ही अवेलेबल कर लें ऐसा ना हो कि जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो फॉर्म सबमिट करना हो और आप जो है डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हो ये वो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं जो कि फॉर्म फिलिंग करते टाइम पे आपके पास में आपके टेबल पे होने चाहिए अगर ये एप्लीकेबल है तो अगर कोई भी एप्लीकेबल इसमें से नहीं है सपोज आप बीपीएल में नहीं आते हैं तो इट इस नॉट एप्लीकेबल ऑन यू

वो फॉर्मेट आप समझ लीजिएगा इट शुड बीन जेपी जपाक के अंदर ही आपको जो है, इन को करना है। और फॉर्मेट इन, इन, इन दोनों चीज का ध्यान रखना है आपको इन दोनों ही चीजों का अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आपका ये सिग्नेचर और फोटोग्राफ जो है अपलोड नहीं होता है तो अगर आप उसे अपलोड करना चाहते हैं तो कुछ उसके स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं जो कि मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा उस साइज के अंदर ही आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए और आपका सिग्नेचर जो कि एक व्हाइट ब्लैंक व्हाइट पेपर पे आपका सिग्नेचर किया हुआ हो जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में मिलता हो वही सिग्नेचर सिग्नेचर आपको आपको करना करना है है और उस का भी आपको एक पिक्चर क्लिक जेपीजी फॉर्मेट में और फिर इन दोनों ही पिक्चर्स को आपको एक फिक्स साइज और डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट करके अपने पास में रखना है जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे क्योंकि वहां पर आपको इन्हें अपलोड करना होगा आई होप आई एम क्लियर अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है और अगर आपको लगता है कि समहाउ आई एम हेल्पिंग यू क्योंकि अभी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आपको स्टेप समझाऊंगा जो कि आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पे मिस आउट ना कर दें तो प्लीज एक लाइक like का बटन और शेयर जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा बट लाइक like का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ठीक है ना लेडस लेटस टॉक अबाउट द प्रोसेस ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा अब आपको डॉक्यूमेंट्स तो मैंने समझा दिए सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है इसके बाद में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ये जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है।, इस के अंदर एक बहुत है और वो क्या है आपका ये का step step कैसे इसी चैनल के अंदर आपको वीडियो सेक्शन के अंदर मेरा ये वीडियो भी दिख जाएगा जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल कैसे करना है बिकॉज अगर आपने फॉर्म फिलिंग में छोटी सी भी गलती कर दी और वो गलती जो है आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर अपेयरिंग ऑफ योर एग्जामिनेशन सो so आप इफ यू यू वांट दैट आई शुड हेल्प आउट विद द द फिलिंग ऑफ फॉर्म तो प्लीज आप मेरा ये वीडियो भी चेक आउट कर सकते हैं साथ के साथ एक वीडियो आप मेरा इसी वीडियो सेक्शन में और है जहां पे मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है क्या दैट इज द प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ एन देखिए एनएलूज की प्रेफरेंस लिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये आपको इसके अंदर पता चलेगा कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि प्रेफरेंस लिस्ट फिल कैसे किया जाता है उन्हें ऐसा लगता है मैं भोपाल से हूं तो मैं प्रेफरेंस लिस्ट में पहले भोपाल भर देता हूं कुछ को लगता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि बेसिकली जो है लखनऊ में रहते हैं तो मैं लखनऊ को पहले भर देता हूं अरे भाई ऐसा नहीं होता है वे ऑफ टू डू इज आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जो कि आपको फॉलो करना है वो मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे भरना है क्योंकि अगर आपने वैसे नहीं भरा तो हो सकता है कि टॉप एनएलयू से आप अपना हाथ धो बैठे आपने बहुत अच्छी मेहनत की, आपके बहुत अच्छे नंबर भी आए, उन नंबर्स के तहत आप टॉप एनएलयू जा सकते थे लेकिन सिर्फ एक छोटे से गलत स्टेप के कारण जहां पे आपने एनएलयू की प्रेफरेंस लिस्ट सही से नहीं भरी तो अब आप उस टॉप कॉलेज में नहीं जा सकते हैं तो इसके लिए आप मेरी एनएलयू प्रेफरेंस लिस्ट का वीडियो जरूर देखें अब आपने फॉर्म फिल किया एनएलयू के प्रेफरेंस लिस्ट भरी इसके बाद में बेटा आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है जो कि मैंने अभी आपको बताए इस वीडियो के अंदर इसके बाद में आपको अपनी क्लैट की जो फीस है उसे पे करना है पे करने के बाद में ये जो क्लैट फीस है ये बेसिकली आप जनरल के लिए चार हजार और एस सी एस टी के लिए साढ़े तीन हजार रुपए है सो so, इस इस प्राइस रेंज में जो है आपको फिल करनी है ये आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं प्लीज ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपके पास में इन तीनों में से कोई एक फैसिलिटी होनी चाहिए इधर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग ऑफ योर बैंक और ये अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपनी पेमेंट कर सकते हैं इसके बाद जब आप सबमिट कर देंगे वंस दैट इज सबमिट तो फिर फिर आपके पास में एक जो है वो बेसिकली मैसेज या फिर आपको मेल के थ्रू आएगा जब आप बेसिकली uh, जब अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे एप्लीकेशन बेसिकली इस तरीके की आपको जो है वेबसाइट दिखाई देगी आपको सर्च करना है एनएलशियम एन एल्यू कंसोशियम जैसे आप सर्च करेंगे तो ये आपके सामने सबसे पहला वेबसाइट दिखाई देगा कंसोशियम ऑफ एनएलयूज़

जिसके अंदर आपने रिचार्ज करा रखा हो जिसके अंदर मैसेजेस जो है वो आते हैं और मैसेजेस जाते हो वही मोबाइल नंबर डालिएगा और इसके बाद आपकी ईमेल आईडी जो कि आपकी मेन डोमेन मेल आईडी है जिसको आप लगातार यूज करते हैं क्योंकि आपके सारे के सारे अपडेट्स जो है आपको इसी मेल आईडी पे मिलने वाले हैं तो ये मेल आई बहुत इंपॉर्टेंट होगी तो वही मेल आई डालिएगा जिसका एक्सेस आपके पास एनी टाइम होता है सो तो अगर आपने ये तीनों चीजें डाल दी इसके बाद आपको डालना है पासवर्ड

ये दोनों ही सब्जेक्ट्स जो कि लगभग 50% परसेंट फिफ्टी परसेंट जो है ये कवर करता है किसके अंदर क्लैट के अंदर तो आप चाहते हैं कि यू आउट यू कैन ज्वाइन माय चैनल व्हिच इज स्पॉन्सर्ड बाय अन अकाडमी यहां पे आपको मेरे सभी सेशन जो कि मैं यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट लेता हूँ मेरी स्पेशल क्लासेस जो कि हम अनअकैडमी के आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं एंड विद दैट इफ यू वांट टू एनरोल विद एज एन यर पेड बैच तो आप ये सारी की सारी चीजों के अपडेट्स मेरे कहाँ पे मिलते हैं आपको यू कैन गेट ऑल दीज डी ऑन डीएनए बाय वीके आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स के नाम से हमारा चैनल है जहाँ पे आपको ये सब मिल सकता है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली टू हेल्प एंड टू गिव दैट यू हंड्रेड परसेंट रिजल्ट हमारी जो अन है अकाडमी ट्वेंटी फाइव ऑफ लेकर आया है एंड ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं हैं आप आप इसे utilize कर सकते हैं क्योंकि ये 27th, तक ही अभी available है तो रेफरल कोड से आपको डिस्काउंट मिलेगा विजेंद्र लाइव जो है इससे आप रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं इससे आपको डिस्काउंट भी मिलता है इन साथ ठीक है सो दीज आर सम ऑफ समी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो उस दौरान आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपके पास में ये सारी इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है इफ़ यू रियली लाइक माई सेशन इफ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स इज अवेलेबल फॉर यू कमेंट बॉक्स पर जाके आप जो है कमेंट कर सकते हैं आपके सभी क्वेरीज को बेसिकली हम बहुत सीरियस तरीके से देखने वाले हैं और उनमें आपको हेल्प करने वाले हैं एंड साथ के साथ में अगर आपका कोई सजेशन भी हो आपको कोई और किसी तरीके के वीडियो की जरूरत हो जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं वी विल बी वेरी सोन कमिंग अप विद एज वेल ठीक है एंड जो जो दो मैंने आपको बताए हैं ये सभी वीडियोज हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर आपको मिलने वाले हैं अन अकाडमी का जो वीडियो सेक्शन का जो टैब है होम पे जाएंगे तो वहां पे आपको वीडियो दिखेगा फिर लाइव दिखता है तो वीडियो सेक्शंस में आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे आई एम साइनिंग ऑफ एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी बाय बाय गुड नाइट चेक चेक्य